दूपर पावर 40 9,957 करोड़ 76,777 सर्वतर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। अरे सर्वतर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। 301 का पारा सुनाइए तो आप। 301, 302, 303, 304, 304, 304, 304, 305, 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 305
चिरंदे आंदा है, अरे तुसना सा चिरंदे आंदा है, तुसना सा मातृभूमि ती शांता है, अरे तुसना सा मातृभूमि ती शांता है। हम लहराएं दे हर धैया तिरंदा, अरे हम लहराएं दे हर धैया तिरंदा, नसो ये हिंदुस्तान ती शांता है। दोस्तों मैं विकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और अभी हम है सहरसा में, और सहरसा का एक ऐसे लड़का से छोटू से मिलवाएंगे जो कि गूगल बॉय के नाम से जानता है, जाने जाते हैं ये छोटू, ये वही गूगल बॉय है जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा वायरल है और गूगल से भी तेज जवाब देता है ये लड़का। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास कुमार। कितने क्लास में आप पढ़ते हैं? वन। वन में पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोनवर्षा राज महीना दम सहरसा जिला। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप जो हैं मतलब कि वन क्लास में पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ का आप जवाब दे देते हैं? हाँ। जो भी सवाल करेंगे उसका आप जवाब दे दीजिएगा? हाँ, जितना पढ़े उतना दे देंगे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, भारत के भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम बताइए शुरू से लेकर अंत तक। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, दोवा, तरनोता, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अच्छा बात है, ये तमिलनाडु का जो है वो स्थापना कब हुआ था? इतना नंबर 1956। अभी वर्तमान का मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु के एमटीएस स्टालिन। ये जो आपके साथ आया ये कौन है आपके? मामा जी। आपके गुरु कौन है? यही आपके मामा जी ही आपके गुरु हैं। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे पास जी। आप बताइए ये लड़का कैसे ट्रेंड किए, मतलब कि जो भी सवाल करते हैं, काफ़ी वीडियो भी इनका हम देखे, तब हम मतलब कि बहुत दूर से हम चल के यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा मतलब कि कैसे आपको मन में आया इसको आगे बढ़ाएं और इतना टैलेंटेड बच्चा बनाने का सोचे? नहीं, जब जिस वक्त इसको पढ़ा रहे थे जी, कोई भी चीज़ इसको पढ़ाते थे एक बार, तो एक बार से दोबारा हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, एक बार में ही सारा चीज़ ये पकड़ लेता था, और कभी भी इससे पूछते हैं तो ये दोबारा कभी भूलता नहीं था, जवाब दे देता था। इसी तरह से दिनचर्या जारी रहा, लगातार पढ़ाते गए, एक दिन ये मुसीबत आ गया कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये वायरल हो गया है। और ये देख सकते हैं यही समथिंग 3 फीट का है ये लड़का, और वन में पढ़ता। ये बात बताइए, हॉल स्क्वायर सब पता है आपको? हाँ। आप मतलब कि शुरू से बताइए फास्ट में जल्दी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी पर पावर 4 कितना होता? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू। बिहार का चौधरी बता दो। बिहार तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। भारत का चौधरी बताओ। भारत तो उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल, भूषण सिंह, दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल, तिथारी, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर। हमारा संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेहरू रिपोर्ट 1928। उनका विद्रोह 1872। पानीपत का प्रथम युद्ध 1520। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1555। बिहार पूर्व से पश्चिम बिहार की कितनी लंबाई है? 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा जिला? सतपाल दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से बतना, और क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला? पश्चिम चंपारण। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7। सातों महाद्वीप का नाम बता दो। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप में कितने देश है? 48। 48। हाँ। और कितने महासागर है हमारे पूरे विश्व में? 5। 5। सबसे हाँ। बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और भारत के सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में भी कौन है?
श्री नरेंद्र मोदी। बिहार का सबसे पहले बार मुख्यमंत्री कौन बना था? श्री डॉक्टर श्री नीतीश सिंह। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। वाकई में ये गूगल हुआ इतना, मतलब कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका तुरंत आंसर, मतलब एकदम क्विकली, और ये टैलेंट हुआ है। और मतलब कि कुछ सवाल, मतलब कि हमारा ये रहेगा, मतलब पापा मम्मी मतलब क्या करते हैं आपका, कुछ पर्सनल सवाल रहेगा, क्योंकि आप मतलब कि जितना भी सवाल, जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब एकदम क्विकली, मतलब क्विक एकदम से निकल जाता है। ये इनके मामा जी हैं, इनके गुरु हैं, और बाकी अभी सहरसा में ये रूम लेके ठहरे हुए हैं और रूम पे ही पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आगे चल के क्या बनना है आपको? IAS। IAS बनना है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। सुने हैं आप वीडियो में, कोई कोई वीडियो में आप शायरी भी सुना देते हैं। हाँ बताइए। तुस नचो चिरंदे त्यान दा है, अरे तुस नचो चिरंदे त्यान दा है, तुस नचो मातृभूमि ती शांता है, अरे तुस नचो मातृभूमि ती शांता है, हम लहराएं दे हर धैया तिरंदा, अरे हम लहराएं दे हर धैया तिरंदा, नचो ये हिंदुस्तान ती शांता है। जय हिंद। ताली 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 बजा दो, ताली उधर उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, और देख सकते हैं कितने सारे ऑडियंस दिख रहे हैं। इधर दिखाइए, हो गया। और मोटिवेशनल लाइन बोलो तो। और मोटिवेशनल दो चार सुनाइए, मोटिवेशनल लाइन। माँ तू जितने भी दूस हैं उन सब का सर चुटाऊं दो, अरे माँ तू जितने भी दूस हैं उन सब का सर चुटाऊं दो, वादा हमरा तुझसे माँ ये दिन लाल बत्ती वाली जा रही बैठा तुझे पूरा जिला घुमाऊं दो। वाह वाह वाह, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, यहाँ पे कितने सारे ऑडियंस है। और मोटिवेशनल सुनाइए। सर्वतर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, अरे सर्वतर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों तो चेहरे भी उतर जाएंगे। वाह क्या बात है। और लगाइए। तो ये कितना भी बोले अपने आप तो शांत रखो, अरे तो ये कितना भी बोले अपने आप तो शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सुसा नहीं सकता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार बताइए, आप ये जो मोटिवेशनल शायरी है वो कहाँ से सीखे हैं? गुरुजी ही, आपके मामा जी ही बताए हैं क्या? मामा बोलता था तो मैं सीख दे। अच्छा मामा जी पढ़ाते हैं तो सी, खान सर का भी वीडियो देखते हैं? हाँ। अच्छा ये भी सुना है कि मतलब कि आप ये जो पहाड़ा है, पहाड़ा जो होता है एक से लेकर कितना तक आप पढ़ लेते हैं? 301। 301 301 का पहाड़ा सुनाइए तो आप। 301, 302, 303, 304, 305, 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 305
95 का टेबल पड़ 295 295 दोनों 590 295 385 295 1484 295 1475 295 1670 295 2065 295 2860 295 924 55 295 2950। बहुत 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 बढ़िया। मतलब कि पृथ्वी के बीच कितना किलोमीटर का दूरी है? 15 किलोमीटर। रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। हाँ। एक तो अच्छा मोटिवेशनल लाइन अंतिम में सुनो। माँ तेरी पसीना थी हर बूंद से मोती सा जमता अंदा, अरे माँ तेरी पसीना थी हर बूंद से मोती सा जमता अंदा, तू सपने बड़े देखना पूरा दर्द जरा शेर दिस लाएगा। बाकी और क्या क्या मतलब कि और क्या क्या मतलब कुछ अपने मन से सुनाइए, क्योंकि उतना सवाल तो हम नहीं कर पाएंगे। आप क्या और क्या क्या बोलना चाहते हैं? 56 का स्क्वायर कितना होता? 3337। दो पर पावर 5 कितना होगा? 32। दो पर पावर 20 कितना होगा? 10,48,576। दो पर पावर 40 1,09,956,76,777। वाह, मतलब कोई भी सवाल पे एकदम से मतलब क्विकली मतलब आवाज मतलब कि तुरंत सवाल का जवाब दे देते हैं। अब इससे बढ़ के क्या मतलब गूगल भी फेल है, मतलब गूगल पे सर्च मारते हैं तो एकदम घूमता है, लेकिन ये घूमता भी नहीं है, सीधा जवाब निकलता है। ये देख सकते हैं यही है लड़का जी, क्या बोले सर? ये तो अद्भुत बच्चा, ये तो कंप्यूटर के तरह जैसे सवाल किया और जवाब हाजिर है जी। कोई भी सवाल करते एकदम क्विकली मतलब क्लिक, मतलब कि बोलने से पहले ही उसके मन में आ जाता है कि ये बच्चा बिल्कुल एकदम परफेक्ट जवाब दे रहा है जी। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे देश का हर बच्चा इसी के तरह हुए और पढ़ लिख करके जो है कुछ सपना साकार करे, सपना साकार करे। और सरकार से इनके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहूंगा कि यदि हो सके तो हर संभव इस बच्चे को
आगे बढ़ाने में जी आगे बढ़ाने में सहायता करें। अभी तक कोई मतलब कि सरकार के द्वारा चाहे किसी प्रशासन के द्वारा चाहे जनता के द्वारा कोई आया है? नहीं, कोई अभी नहीं आया, कुछ भी अभी तक नहीं आया है, कोई भी पता है इंटरव्यू लेकर के चले जाता। अभी तक अनेकों पत्रकार पहुंच चुका है सहरसा यहाँ पे, समथिंग कितना पत्रकार आ चुका है? लगभग अभी तक 46 पत्रकार आ चुका है, देख सकते हैं 46 पत्रकार आ चुके हैं। और व्यू जैसा नहीं, मतलब कि लाखों मिलियन में भी लोग देखते हैं, फिर भी इनको मतलब कोई भी आर्थिक मदद या मतलब कोई भी मदद? मिलियन व्यू गया, 6 मिलियन, मतलब अभी तक मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, किसी सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। मैं पापा मजदूर आदमी है, राजमिस्त्री है पापा इसका, पापा जी क्या राजमिस्त्री है, मतलब ईटा का घर उड़ जोड़ता है। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये जो लड़का है, ये जो लड़का देख रहे हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, मतलब कोई भी सवाल करते तुरंत एकदम से जवाब मिलता है, गूगल से भी तेज़ ये लड़का है। और इसका माइंड सेट मतलब कितना घंटा आप पढ़ाई करते हैं? 10-12 घंटे। ये देख सकते हैं कितना एज है समथिंग इसका? 6 साल। 6 साल का लड़का 10-12 घंटा पढ़ाई करता है। अब आप ही सोच सकते हैं 6 साल का लड़का 10-12 घंटा आजकल लड़का खेलता है मोबाइलों में, मतलब गेम खेल के मतलब कि समय निकाल देता है, यहाँ पे 10-12 घंटा पढ़ता है और कोई भी सवाल जवाब करने के बाद तुरंत एकदम से उसका आंसर देता है। स्कूल भी कभी नहीं गया है अभी तक, स्कूल भी कभी नहीं गया है? हम पढ़ाते कभी आज तक स्कूल, कोई स्कूल का मुँह भी नहीं देखा अभी तक, स्कूल का अभी तक मुँह भी नहीं देखा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना जितना शेयर कीजिए ताकि इनको ना सरकार के द्वारा कोई भी मतलब कि क्या कोई भी सहयोग मिले, स्कूल में इसका एडमिशन करा दीजिए, बस हो गया, इससे बच्चा का भविष्य बन जाएगा। क्या कि इतना उसके पापा का पास तो रुपया है नहीं कि इसको आगे पढ़ा सकता, जितना इसमें टैलेंट है उतना इसके पास पैसा नहीं जो आगे, मतलब कि सोनू एक तो इससे पहले सोनू कुमार वायरल हुआ था, अब सोनू टू आ गया है, सोनू टू ही बोलेंगे, सोनू टू नहीं बोलेंगे, वो मतलब बोलता ज्यादा था वो, लेकिन पढ़ने में टैलेंट नहीं था, टैलेंट नहीं था, लेकिन एक्सेल में ये टैलेंट लड़का है, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं आपसे विदा होता हूं, तब तक के लिए जय।